हाई एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, कैरिथर सीरीज में चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में ये 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज क्लास 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं विटिग रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप किसी एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, और नेट गेट के लिए तो पढ़ना ही है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सो अपना विटिग रिएक्शन, अब इसमें ना ये रिएक्शन आई एम श्योर आपने पहले देखी होगी, आपको पता भी होगा प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। आज वाली क्लास में एक तो हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखने वाले हैं कि कब हमें सिस एल्कीन मिलेगी, कब ट्रांस मिलेगी। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है इस रिएक्शन का, कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो विटिग रिएक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, जो अपना ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसको चेंज करवाते हैं किसमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। इसको हम चेंज करवा रहे होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, ये काम करना होता है। अब यहाँ पे कौन सा रिएजेंट ऐड करवाया जाए कि कार्बोनिल ग्रुप इसमें चेंज हो जाए। अभी मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाए, सिर्फ इसकी वैलेंसी कंप्लीट करवाने के लिए मैंने दो बॉन्ड बना के दिखा दिए, ऐसे मान लो हमने यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो मेन काम हमें ये करना होता है विटिग रिएक्शन में, कार्बोनिल ग्रुप को चेंज करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। और जब आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करवाना होता है, विटिग रिएक्शन काफ़ी पॉपुलर है इसके लिए, इसी को जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी ना हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो मैंने बीच में एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसके प्लेस में हम कौन सा रिएजेंट ऐड करें। तो उसको हम बोल रहे होते हैं फॉस्फोरस एलाइड, फॉस्फोरस एलाइड। अगर आप ये ऐड कर दोगे तो डायरेक्टली आपका कार्बोनिल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। अब ये क्या होता है, बनेगा कैसे, तो इसमें ना दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो SN2 मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम एक एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई सिंपल सा एल्काइल हैलाइड ले लिया, लेट्स से CH3I हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने ऐड करवा दिया PPH3, तो सबसे पहले होती है SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पर ना मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर हम ये वाला रिएक्शन करवाते हैं, आपको पता है यहाँ से I- बाहर जाएगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और यहाँ से हमें ये PPH3 और यहाँ पे CH3 से बॉन्ड बन गया इसका, इसने अपने लोन पेयर दिए हैं इसलिए प्लस आ जाएगा। ये वाला पार्ट हम सबको पता होता है। अब ना आप एक चीज़ देखो, फॉस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप का ही है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक ऐसे ही होता है। तो अगर ये वाला काम फॉस्फोरस कर रहा है, SN2 रिएक्शन कर सकता है, तो फिर तो नाइट्रोजन को भी करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने लिखा, मान लो सपोज NNPH3, अगर हम ऐसे बना दें लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन जो ये वाले रिएक्शन है कि I- निकल जाए और यहाँ से नाइट्रोजन अटैक कर दे, ये वाली रिएक्शन नहीं होती। तो आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बताएंगे कि ये वाली रिएक्शन फेवरेबल क्यों नहीं है, ये वाला अटैक क्यों नहीं होता है, जबकि फॉस्फोरस तो कर रहा होता है, और जबकि ये दोनों हैं सेमी ग्रुप के, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं करता, फॉस्फोरस क्यों कर रहा है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अपना होमवर्क समझ लेना, वीडियो देखने के बाद बताना मुझे, ओके। तो यहाँ से हमारे पास ये मिला हमें, मैंने बोला था पहले SN2 रिएक्शन होगी, इसके बाद यहाँ पर हम करवाएंगे एसिड बेस रिएक्शन। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई भी बेस ऐड करवा दूँ, जैसे मान लो हमने ऐड करवा दिया NaOMe, वो भी काम कर देगा, या फिर हम कोई भी एल्काइल लिथियम ऐड करवा दें। अब एल्काइल लिथियम के ऊपर भी ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई थी, इनफैक्ट कैरिथर सीरीज में ही हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे थे चैप्टर नंबर 1 में, उसको भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो एल्काइल लिथियम जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों के जैसे एक्ट कर सकता है, और आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो जब भी एसिडिक प्रोटोन दिखेगा तो न्यूक्लियोफाइल जैसे काम बाद में करेगा, वो पहले एसिड बेस रिएक्शन करवा देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्काइल लिथियम में मैंने ब्यूटाइल लिथियम ले लिया, आप चाहो तो CH3Li ले सकते हो, ठीक है, सारे बेसिस ही हैं ये। तो क्या होगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेंगे, CH3 यहाँ से एक प्रोटोन निकलेगा, तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा CH2-, है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से ये वाला एच एसिडिक क्यों है, रीज़न ये है कि जो आपने ये कार्बन आयन बनाया ना, अब ये फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में ऐसे डीलोकलाइज होता है ना, नेगेटिव चार्ज जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज हो सकते हैं फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में, मतलब ये स्टेबलाइज्ड है, इसलिए एसिडिक है। तो ऐसे करके हमें ये मिला है, और इसी को हम बोल रहे होते हैं फॉस्फोरस एलाइड। अगर आप चाहो तो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म भी बना सकते हो, बॉन्ड बना दो इन दोनों के बीच में ऐसे करके, एक ही बात है, ऐसे फॉस्फोरस को ध्यान से देखो, 5 बॉन्ड्स बन चुके हैं, 3 फिनाइल के साथ और 2 यहाँ पे फॉस्फोरस के पास, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, तो डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये 5 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस एलाइड है।
तो यहाँ पर अगर आप ये फॉस्फोरस इलाइट डाल देंगे, ये अगर आप डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट इस तरह से करके, ठीक है। अब इसका ना मैकेनिज्म तो हम देख लेंगे, लेकिन सिंपल सी बात ये है, आपको पूरा मैकेनिज्म लिखने की नीड नहीं होती है। एक बार मैं आपको मैकेनिज्म करवाती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे सिंपल ट्रिक कि आप उसको एक ही स्टेप में एग्जाम में डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाओ, आपको बार बार पूरा मैकेनिज्म ना लिखना पड़े। तो ये हमारे पास फॉस्फोरस इलाइड आ गया है, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, हमें ये मिलेगा। कैसे होगा देखो, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो ये कार्बोनिल कार्बन है, आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव लगाया मैंने, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव लगाया, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या होगा, यहाँ पे इसके पास पाई स्टार भी है, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे, इसका अटैक करवा देंगे यहाँ से। तो ऐसे कर गया बनेगा ये, इधर बना ये ओ माइनस, और यहाँ पे आके लग गया ये सी एच टू, और सी एच टू के साथ है पी पी एच थ्री प्लस, ऐसे। अब ऑक्सीजन का जो ये नेगेटिव चार्ज है, अभी तो ये लोकलाइज्ड है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर ही रह सकता है, लेकिन अगर मैं बॉन्ड बनवा दूँ इसका फॉस्फोरस के साथ, तो क्या होगा, जो जो इसके पास लोन पेयर्स होंगे वो डी लोकलाइज कर सकते हैं फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में, दैट मीन्स फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्टेबल है, क्योंकि इसके लोन पेयर्स जाएंगे इसके डी ऑर्बिटल में डी लोकलाइज होने के लिए, सही है। तो इसी वजह से क्या होगा, आगे यहाँ पे बॉन्ड भी बन जाते हैं इन दोनों के बीच में नेक्स्ट स्टेप में, ऐसे। ये हुआ, इसके बाद क्या करेंगे, एलिमिनेशन करवाएंगे। एलिमिनेशन कैसे, इस वाले बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक करवाया, इसको यहाँ से ब्रेक करवाया, तो क्या बनेगा, इसे देखो कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है, फॉस्फोरस के साथ तीन पीएच ग्रुप लगे हुए हैं और एक डबल बॉन्ड ओ, सही है। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, पहली बात तो ये फोर मेंबर रिंग बनी थी जिसमें स्ट्रेन था, एक तो इस स्टेप से ये स्ट्रेन रिलीज हो गया, और उसके साथ साथ फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है जो कि स्टेबल बॉन्ड है, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो आपको लास्ट में आप ऐसे दिखा लो, ये हमें मिला और साथ में ये अपना प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। अब आपको ये पूरा मैकेनिज्म करके देखने की नीड नहीं है एग्जाम में, हम सिंपल ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रिक देखना, ईजी है बहुत। देखो, अगर मैंने यहाँ पर बनाया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऐसे था, है ना, फिर हमने कहा कि पी पी एच थ्री था, डबल बॉन्ड था सी एच टू के साथ, ऐसा ही था ना। क्या करवाएंगे आप, पूरा मैकेनिज्म करके यहाँ पे प्लस या माइनस लगा के अटैक करवा के फोर मेंबर रिंग बना के एलिमिनेशन करवा के, वो सब करने की नीड नहीं है, सिंपली आप इसको बाहर निकाल दो यहाँ से, मैकेनिज्म देखा है ऑलरेडी हम, इसको बाहर निकाल दो और जो ये डबल बॉन्ड है ना इसको बढ़ा दो, बस ये, बस ये करना है आपको, मिल गया हमें ये, इतना ही काम करना है। तो एग्ज़ाम में आपको पूरा मैकेनिज्म लिखने की नीड नहीं है, साथ में हमारा ये रिलीज हो गया। अब ना ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, इजी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना हमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करने की नीड नहीं है, यहाँ पे सिस ट्रांस की हमने बात नहीं करी। लेकिन एक चीज़ देखो, फिलहाल के लिए हमें ये दिख रहा है कार्बन के पास ना दोनों ही हाइड्रोजन हैं, ऐसे हैं, है ना, तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर बनेगा ही नहीं, इसके पास भी दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं। लेट्स से मान लो मैंने इसको आर वन बोल दिया है, फिर आप काम करो मिथाइल मान लो, इसको इसको मिथाइल मान लिया हमने, इसको एच मान लिया, इसको एक आप इथाइल बना लो, ठीक है। तो अभी ना करेंगे तो हम भाई हमें दिख रहा है कि विटिग रिएक्शन है यहाँ पर, फॉस्फोरस इलाइड है ये, तो क्या करना है आपको, इसको तो आप बाहर निकाल दोगे, बॉन्ड भी बना दोगे, लेकिन इस बार जो आपकी एल्कीन बनेंगी वो दो बन सकती हैं। कैसे, एक तो जैसे दिख रहा है वैसे के वैसे बॉन्ड बनाओ, इधर लगा हुआ है सी एच थ्री, इधर लगा हुआ है एच, यहाँ पर एच है और यहाँ पर इथाइल है, एक तो ये बन सकता है, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, दोनों एच ऑपोजिट है एक दूसरे से, तो इसको हम बोलेंगे ई एल्कीन है ये, है ना। लेकिन इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है कि एच यहाँ पर आए, इथाइल यहाँ पर आए, यहाँ पर अपना एच और यहाँ पर मिथाइल, तो अगर ऐसे वाला एल्कीन बना तो ये जेड एल्कीन है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये तो हम एक स्टेप में करवा देंगे, बट कौन सा मेजर है, कब ई बनेगा, कब जेड बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, तो हमें वो सीखना है और वही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ई एल्कीन मेजर बनेगा या फिर जेड मेजर बनेगा, इसको डिसाइड करने के लिए आपको इसको देखना है, यानी कि जो फॉस्फोरस इलाइड आपने बनाया है, जो बना है आपके रिएक्शन में, उसको देखो। अगर ये फॉस्फोरस इलाइड, ध्यान से सुनना, अगर ये फॉस्फोरस इलाइड स्टेबलाइज है, मैं आपको प्रॉपर रीज़न बताऊंगी, करके भी दिखाऊंगी, बट एक बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो इस चीज़ को, कि अगर ये वाला फॉस्फोरस इलाइड स्टेबलाइज्ड है, तो स्टेबलाइज्ड वाले केस में हमें ई एल्कीन देखने को मिलेगी एज मेजर प्रोडक्ट,
और अगर ये वाला फॉस्फोरस एलाइड स्टेबलाइज नहीं है, जिसको मैं लिख रही हूँ नॉन स्टेबलाइज, अगर स्टेबलाइज नहीं है तो फिर हमें जेड एल्कीन देखने को मिलेगी एज मेजर प्रोडक्ट। इतना क्लियर है? इतना आप ध्यान रखेंगे। अब ना ध्यान से सुनना, स्टेबलाइज्ड और नॉन स्टेबलाइज्ड का मीनिंग क्या है। मैं यहाँ पे दो ड्रॉ करती हूँ, दो फॉस्फोरस एलाइड आपको दिखाती हूँ। एक तो हमने बनाया ये, यहाँ माइनस लगा दिया मैंने और यहाँ पे इथाइल लगा दिया। एक तो मैंने ये बनाया है और एक मैंने बना दिया ये, इधर ऐसे है, यहाँ पे एच लगा रहने देते हैं, यहाँ लगा देती हूँ मैं सी ओ ओ ई टी। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान से देखो, एच एच तो कॉमन है इनमें, ये है इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप बेसिकली एल्काइल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इस कार्बन के ऊपर। ये वैसे ही नेगेटिव चार्ज लेके बैठी है पहले से, आप इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर रहे हो, तो ये तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, तो इसको हम बोल रहे हैं नॉन स्टेबलाइज्ड। इस वाले केस में आओ, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकता है, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से ये स्टेबलाइज है कार्बन आयन, इसलिए हम बोलेंगे ये स्टेबलाइज्ड फॉस्फोरस एलाइड है। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टेबलाइज्ड फॉस्फोरस एलाइड, आप ई एल्कीन को बना दो मेजर, डायरेक्टली इसको बनाओ मेजर। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो नहीं पा रहा, ऊपर से डिस्टेबलाइज हो कर रहे हैं इसको, इसको हम बोलेंगे नॉन स्टेबलाइज्ड और यहाँ से बना देंगे जेड एल्कीन। ये वाला काम हमें करना था। तो जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, वो तो हम सिर्फ इतना ही देख के कर लेंगे, इनके बेसिस को बाहर निकालेंगे और फिर ये चेक करेंगे स्टेबलाइज है या फिर नॉन स्टेबलाइज, उसके बेसिस पे इन दोनों में से डिसाइड कर लेंगे कौन सा बनाना है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ है, स्टेबलाइज वाले से ई क्यों मिल रहा है और नॉन स्टेबलाइज से हमें ये क्यों मिल रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो वो वाला मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास, लेट्स से यहाँ पे मैं लगा दिया सी एच थ्री, वो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ मैंने एच लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा पी पी एच थ्री प्लस, यहाँ पे ये कार्बन है, इसके पास एक एच लगा हुआ है और एक लगा देते हैं अपना इथाइल जो पहले लगाया था हमने। ठीक है, मान लेते हैं ये अपने पास है। तो अब एक चीज़ समझना, तो इसमें जब आप अटैक करवाओगे तुम ऐसे अटैक करवाते हैं, इसके पाई स्टार में डालेगा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर ऐसे करके। इसी को अगर मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाना हो तो एक चीज़ देखना, पहले मैं इस वाले कार्बन को लेके चल रही हूँ, इस वाले कार्बन को। ठीक है, मैंने इस कार्बन को ऐसे दिखाया, सही है, क्योंकि आप ध्यान रखो न्यूमैन कैसे बनाते हैं हम, ये हमारी बैक साइड वाली कार्बन, ये हमारी फ्रंट साइड वाली कार्बन, फ्रंट को ऐसे दिखाते हैं, बैक को आप ऐसे दिखा सकते हो, है ना। तो ये आपकी बैक साइड वाली कार्बन है और ये फ्रंट वाली कार्बन है, बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया नहीं है, आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो मैंने इस वाले कार्बन को ऐसे ड्रॉ करा यहाँ पर, ये मैंने डबल बॉन्ड ओ बना दिया और यहाँ मैंने लगा दिया ये सी एच थ्री और यहाँ लगा दिया एच। ठीक है, सेम चीज़ है। अब इसने अटैक करना है, इस वाले कार्बन ने अटैक करना है ना, इसको मैं दिखाती हूँ दूसरे कलर से। तो मैंने इस वाले कार्बन आयन को यहाँ पर बनाया, कार्बन है ये। ठीक है, अब इसके पास ये अटैच है पी पी एच थ्री ऐसे, और दो ग्रुप लगे हुए, एक एच है एक इथाइल है। लेट्स से एक तो मैंने ऐसे बनाया, यहाँ लगाया एच, यहाँ लगा दिया इथाइल और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, ये हम कर सकते हैं। एक तो मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ, है ना। लेकिन आप ये कहोगे कि आपने एच को इस तरफ क्यों दिखाया, हम तो इस तरफ दिखाएंगे। ठीक बात है, आप बनाओ। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं एच को यहाँ पर दिखाऊँ और इथाइल को यहाँ पर दिखाऊँ, और यहाँ पर रहे मेरे पास पी पी एच थ्री, है ना। अब बैक साइड वाली कार्बन को भी बनाओ, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये तो सेम ही है ना, यहाँ पर अपना H है और यहाँ पर मिथाइल है, सॉरी हाँ मिथाइल है ये। तो ऐसे करके अपने पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम कोई केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमने बहुत बार पढ़ी है, तो आप ना मुझे ये बता दो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, कैसे बताएंगे। देखो H से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, है ना, एच कुछ नहीं कर सकते, ये तो वैसे ही छोटा है, मतलब बल्की ग्रुप नहीं है। लेकिन जो इथाइल और मिथाइल हैं ये बल्की ग्रुप्स हैं, इनको जितना हम दूर रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक बात है, क्योंकि अभी तो हमें दिख रहे हैं ऐसे लिखे हुए, एक्चुअल में कैसे हैं, एक्चुअल में ये कार्बन इस तरह से दिखाओ, ये इसका प्लेनर वाला बॉन्ड टेट्राहेड्रल होती है ना, इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे है ये सी एच थ्री ग्रुप। इथाइल को दिखाएं, ये कार्बन, ये एक एच, ये इसका दूसरे वाला एच, और ये इधर से वापस है सी एच थ्री, एक एच, एक ये वाला एच
और ये, तो एक्चुअल में ये वाली स्टोरी है ऐसे करके कुछ। तो हिंड्रेंस है यहाँ पे, तो समझ होगा कि टेट्राहेड्रल कार्बन होती है जब तक sp3 रहेगी। तो एक्चुअल में ये ऐसा सिस्टम है जो, तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है। क्या करेंगे इसके लिए, इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे जो कि यहाँ पर है। समझ गए ना मैं कैसे बोल रही हूँ। तो वैसे हमने बनाया, हम बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा स्टेबल ये वाला है क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं ये दोनों, ठीक बात है। तो हम ना इसको प्रेफर नहीं करेंगे, ये ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है। इतना मान गए बस, ठीक है। अगर ये मान गए तो आगे चलते हैं, अब तो बना ही लेंगे। क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ब्रेक करवाना है, इसका इसका भी हाथ बोन बना देंगे हम, है ना। अब इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको, इस तरह से करके देखो। देखिए मैंने बनाया है डायरेक्ट, जब हम कर रहे होते हैं तो इधर आता है ओ माइनस, इधर यहाँ पे CH3 है, ये H है, इस कार्बन का बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ, यहाँ पे H इथाइल और एक अपना PPH3+, ऐसे कर रहे होते हैं हम। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ये तो समझिए ना कि इस वाले कार्बन का बॉन्ड के साथ बनेगा। अब देखना, लेट्स से मैंने बनाया यहाँ पे ओ माइनस ऐसे, है ना। ये वाली कार्बन के पास क्या लगा हुआ, एक तो PPH3 लगा दिया मैंने ऐसे करके, दोनों ऑपोजिट थे, मैंने ऑपोजिट दिखाए हैं, सही है। अब ना इन दोनों की बात करते हैं, दोनों ऑपोजिट हैं। अगर जैसे मान लो मैंने इथाइल को सपोज डैश पे लगाया, यहाँ पर इथाइल को डैश पे अगर हमने लगाया तो मिथाइल को मुझे वेज पे लगाना पड़ेगा, मिथाइल को वेज पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप रिवर्स कर लो, अगर इसको वेज पे लगाओगे, इसको ऐसे लगाना चाहते हो वेज पे, तो इसको डैश पे लगाओ, क्योंकि दोनों को जितना हो सके उतना दूर रखना है, है ना। अगर यहाँ पे ये डैश पे है तो जो ये वाला एच है ये वेज पे रहा होगा, फिर एक सेकेंड, मैंने ना जिस कार्बन से PPH3 अटैच के पास इथाइल है तो यहाँ हम इथाइल लिखेंगे, और जिसके पास ये ओ माइनस उसके पास मिथाइल है तो यहाँ पे मिथाइल लिखेंगे CH3, ठीक है। तो इथाइल है इस कार्बन के पास तो एच भी है, एच को मैंने यहाँ दिखा दिया और यहाँ पे इसको हमने यहाँ दिखा दिया, इस तरह से करके यही है, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने कहा था कि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बेसिकली 4-मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन जो है फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल के अंदर ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, करेक्ट है। अब ऐड कब करेगा, इतनी दूर से तो कर नहीं सकता, इसको पास लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे पास, 180 डिग्री घुमाओ इसको, इसको यहाँ लेके आओ ऊपर, इसको बैक साइड जाने दो एच को, इसको फ्रंट में आने दो, ठीक है। इस वाली कार्बन पे हम 180 डिग्री रोटेट करवा रहे हैं इसको, ऐसे करके रोटेट करवा दो, क्या मिलेगा हमें, ओ माइनस अपने प्लेस पे है, बैक साइड पे एच लगा हुआ है, फ्रंट पे CH3 है। मैंने इस वाले कार्बन को कुछ भी नहीं कहा है, वैसे का वैसे लिखा है, है ना। हम लेकर आ गए PPH3 को ऊपर ऐसे, एच फ्रंट में था अभी बैक में जाएगा, ऐसे बैक साइड पे इथाइल आएगा फ्रंट पे, ठीक है। इन दोनों में बनेगा बॉन्ड, अब बन सकता है, अब बना दो, ये फॉस्फोरस, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे बन गया बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमने सीखा था स्टार्टिंग में कि 4-मेंबर रिंग बनने के बाद अब इसमें फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्टेबलाइज तो है, लेकिन रिंग की वजह से स्ट्रेन आ गया तो एलिमिनेशन होगा, इसको बाहर, इसको यहाँ, क्या हुआ बॉन्ड आया, दोनों एच बैक साइड पे हैं, मैंने दोनों एच को एक साइड दिखाया ऐसे, इधर इथाइल है और सेम प्लेन में अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन, मतलब यहाँ पे भी क्या है CH3। अब देखो लास्ट में सब कुछ कर करा के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये हमारे पास क्या था, नॉन स्टेबलाइज्ड फॉस्फोरस इलाइड, और हमने कहा था नॉन स्टेबलाइज्ड से जेड बन रहा होता है, और देखो जेड ही तो बने, ठीक है, समझ गए। ये होता है पूरा मैकेनिज्म। अब ये सब करने का टाइम आपके पास एग्जाम में तो होगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे अगर ये नॉन स्टेबलाइज्ड है उठा के जेड बना दो, बस खत्म काम, सही है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ई वाले केस में ऐसा क्या होता है, तो ई वाला एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, COOH, यही लिया था हमने, ठीक है। शुरू करते हैं, मैं ना इसी में चेंजेस करने वाली हूँ। तो इस बार हमारे पास CH3 वैसे का वैसे है, इसके पास है, यहाँ पर क्या है COOET, ये और ये इथाइल में, इसमें डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 का मतलब क्या है, आप कहोगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, sp2 मतलब प्लेनर, ठीक है, यानी कि एक ही प्लेन में रहने वाले हैं। तो इस बार ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक ही प्लेन में है तो हिंड्रेंस नहीं होगी यहाँ पर, और अगर हिंड्रेंस नहीं होगी तो ये वैसे का वैसे रहेगा, तो मतलब हम ये वाला बिल्कुल बना सकते हैं, तो इस वाले केस में ये बन जाएगा क्योंकि इस बार यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। तो बस ये वाली बात है,
इस बार हमें दोनों को साथ में रहना है सेम साइड पे, तो जब आप ये वाला बनाओगे इस बार हमें इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर, ओ माइनस यहाँ पर लगाया, फिनाइल जो हम बस ये फॉस्फोरस लास्ट में है यहाँ लगा दिया इसको, है ना। अब अगर आप इसको इस तरफ दिखाओगे सी एच थ्री को यहाँ पर दिखा रहे हो वेज पे, तो आपको इथाइल को भी वेज पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाएंगे हम वेज पे इथाइल को, और डैश पे दिखा दो इसको, फिर से वही काम करेंगे। कैसे, हमें सेम साइड लेके आना है इनको, जब सेम साइड लेके जाओगे 180 डिग्री रोटेट करोगे, ये भी वेज, ये क्या है फ्रंट साइड पे बैक साइड पे जाएगा, तो बैक साइड पे आपका इथाइल आ जाएगा और एच आएगा फ्रंट साइड पे, आगे तो सेम ही होना है। अब जब बॉन्ड बनाओगे तो ये वेज पे है और ये डैश पे है, दैट मीन्स वेज अगर यहाँ पर तो डैश यहाँ पर होगा ना, इथाइल नहीं है, सॉरी एक सेकेंड, इथाइल नहीं है, सी ओ ई टी है, सी ओ ओ ई टी है, है ना, और यहाँ पे भी क्या है सी ओ ई टी, ऐसे जब बॉन्ड बनाओगे ये डैश पे है और ये वेज पे है, तो यहाँ हम लगाएंगे सी ओ ओ ई टी और ये आएगा यहाँ पर, ये वाला एच डैश पे, ये वेज पे, डैश मतलब मान लो बैक साइड चला गया तो ये फ्रंट पे आ गया, क्या बना, ई बना ना, तो स्टेबलाइज से हमें ई एल्कीन मिल रहा है, इस तरह से करना था, ठीक है। ऐसे हम करते हैं सी एस आई आर नेट में एक बार एक क्वेश्चन, नहीं नेट में गेट में आया था, गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ईयर तो मुझे याद नहीं है बट हाँ गेट में आया क्वेश्चन, सिर्फ ये पूछा था आपको ना, नॉन स्टेबलाइज्ड वाला फॉस्फोरस इलाइट गिवन था और ये पूछा था कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेंगी, तो फिर हम कौन सा मार्क करेंगे, ये वाला पार्ट, क्योंकि जब वो नॉन स्टेबलाइज्ड है तो मतलब कुछ ऐसा सा ग्रुप होगा तो उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, अगर स्टेबलाइज्ड होगा तो कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, यानी कि सिस्टम प्लेनर होगा, प्लेनर में ऐसे रह सकता है, क्लियर है। अब ना ये सब तो हमने सीख लिया, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्टली, वापस से बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखने पे ट्राई करेंगे। पहले पहचानना है रिएक्शन कौन सी है, ये क्या होता है मैंने बहुत बार बताया, बेंजीन है, ये बेंजीन यानी कि आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया गया है, इसको देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ मुझे कार्बोनिल दिख रहा है और यहाँ मुझे समझ में आ रहा है क्या है ये फॉस्फोरस इलाइट है, ध्यान रखो जब भी फॉस्फोरस के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड बना हो समझ जाओ फॉस्फोरस इलाइट है, और साथ में ये भी दी जाए बस फिर तो रिएक्शन शुरू करवाओ फटाफट। इसको आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे हम दिखाएंगे प्लस, यहाँ सिंगल दिखा के इसको दिखाएंगे नेगेटिव, ऐसे भी कर सकते हो, वरना ये सब करने की नीड नहीं है। क्या करेंगे हम, यहाँ मैं दिखाऊंगी इसको सी एच ओ को ऐसे करके, है ना, और इसको निकाल देंगे हम बाहर, इस कार्बन के साथ बनाएंगे डबल बॉन्ड, ये वाली कार्बन है अपना, मैंने डबल बॉन्ड तो बना दिया और ये यहाँ पर भी लगा दिया, अब मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना है, यहाँ पे एच रहा होगा, है ना, मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना है कि जो ये एल्कीन बनी है मेरी नए वाली, इसमें मुझे जेड बनानी है एल्कीन या फिर ई बनानी है, कैसे डिसाइड करेंगे, अब मुझे पता है नेगेटिव यहाँ पर रहा होगा, ये पॉजिटिव और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करके नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पर डी लोकलाइज हुआ होगा, है ना, तो मतलब ये स्टेबलाइज है, और अगर स्टेबलाइज है तो हम ई एल्कीन बनाएंगे, यहाँ पे ये वाला ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी का है, यहाँ पे ये वाला ज़्यादा प्रायोरिटी का है, तो यहाँ हम लिखेंगे सी ओ ओ ई टी और यहाँ पर आएगा एच, तो ये हो जाएगा हमारा इसका मेजर प्रोडक्ट। क्या करना होता है, यहाँ से इसको निकालेंगे बाहर और फिर सिर्फ ये चेक करेंगे कि स्टेबलाइज है या फिर नहीं है, अगर स्टेबलाइज है तो ई बना दो, ई बना दिया हमने, दोनों एच को दूर रखा है दूसरे से, मतलब एंटी रखा है, ऑपोजिट रखा है दूसरे से, ई एल्कीन है, यही बनेगा मेजर प्रोडक्ट, सही है। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को करा है, आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, ये इसमें देखो क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से बाहर, है ना, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, माइनस एम भी लगाएगा माइनस आई भी लगाएगा, स्टेबलाइज कर रहा है उसको, यानी कि ई एल्कीन बनेगी मेजर, लेकिन यहाँ पर ना हम ई बना नहीं पाएंगे, ऐसे ये वाली कार्बन है ना यहाँ पे, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, सेम है दोनों, यहाँ एच लगा दो यहाँ एच लगा दो, सेम क्यों है, क्योंकि ये वाले दोनों ग्रुप सेम हैं, दोनों ग्रुप सेम हैं, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी ठीक, ऐसे लिखोगे तो भी ठीक, सही है। तो यहाँ पे हम सिस और ट्रांस की बात नहीं कर सकते क्योंकि दो ग्रुप सेम हो गए ना, सिस ट्रांस एक बार बताओ ऐसे कर सकते हो क्या, सिस ट्रांस यहाँ ये लगा हुआ है, यहाँ मैंने लगा दिया मिथाइल और यहाँ लगा दिया इथाइल, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, जब तक इसके इस वाली कार्बन के पास दोनों ग्रुप सेम रहेंगे आप सिस ट्रांस बता ही नहीं सकते हो, आप ई जेड भी नहीं बता सकते, तो दोनों ही ठीक है, जैसे भी लिखाओ जैसे ऑप्शन में गिवन हो वहीं से शुरू कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं,
देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये क्वेश्चन कि पता नहीं क्या ही पूछ लें, हमसे तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन को देखना, डरा मत करो। स्पेसिफिकली CSIR नेट में ना डराने के लिए इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर दे देते हैं, होता बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और ना आपने अगर गेट में कभी देखा हो ध्यान से, गेट के पेपर में भी वैसे ऑर्गेनिक नेट के कंपैरिजन में इजी आती है, बट एक तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा दिख रहा होता है। ध्यान देना गेट के पेपर जब नेक्स्ट टाइम एनालाइज करो ना, ध्यान देना एक दो क्वेश्चन पक्का ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर बड़े से दिखने वाले बट वो ईजी होते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कैटलिस्ट है, ये अपना बेंजीन है, हीट कर रखा है इसको, इसको पहचानो क्या है ये, फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड कार्बन है ना, तो हमें दिख रहा है फॉस्फोरस एलाइड है, फॉस्फोरस एलाइड मतलब विटिक रिएक्शन रहा होगा, कार्बोनिल ढूंढो कहाँ है कार्बोनिल, ईथर है ये, तो यहाँ भी इस तरह से तो ये दिख रहा है ये वाला ग्रुप, बस करवाओ रिएक्शन डायरेक्टली, कार्बन डबल बॉन्ड ओ रखो इसको, इसको एच लिखो ऐसे करके, ठीक है। तो मुझे ये बाहर निकालना है, अब सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ई एल्कीन मेजर बनाऊं या फिर जेड बनाऊं। स्टेबलाइज है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है स्टेबलाइज है, तो स्टेबलाइज होने की वजह से ई देगा मेजर, तो बस इस वाले पूरे ग्रुप को मान लो आर, आर मान लिया हमने इसको, इधर एच है, डबल बॉन्ड लगाया सी ओ ई टी, इधर लिखा एम ई, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एम ई मैं यहाँ लगाऊं और सी ओ ओ ई टी यहाँ लगाऊं, और यहाँ हमने एच लगाया, यहाँ लगाया आर, इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकेंड, इसको मिलेगी फर्स्ट, इसको मिलेगी सेकेंड, ऐसे करके वन वन ऑपोजिट हैं, तो ये ई है और यहाँ पर ये वन, ये भी वन, ये टू, ये भी टू, तो ऐसे करके वन वन सेम साइड पर हैं, तो ये जेड है, दैट मीन्स ये ठीक है, ये ठीक है ना, तो इसमें ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, सही है। आगे चलते हैं, फिर से वही वाली बात है, देखने में डिफिकल्ट है वैसे ईजी है। इस वाले केस में सिर्फ इतना दे रखा है कि आपको ना ये बेस गिवन है, बेस है ये, अगर बेस गिवन दैट मीन्स निकालेगा ऐसे एक प्रोटॉन, तो इस वाले कार्बन के पास दो एच रहे होंगे, एक को ये निकाल लेगा एच प्लस को, एक एच बचेगा, एक आ जाएगा माइनस, ठीक है। इसी चीज़ों में कैसे दिखा सकती हूँ, पी पी एच थ्री डबल बॉन्ड इस वाली कार्बन के साथ, एक तरफ एच लगा दिया मैंने, एक तरफ ये सी एच टू सी एच टू ओ टी बी एस, ऐसे लगा दो, इस तरह से हमने लगा दिया इसको, इस तरह से किया। अब ढूंढते हैं, ये अपना एलाइड बन गया, अब ढूंढते हैं कार्बोनिल, ये रहा यहाँ पर है, कैसे दिखाओगे, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक तरफ आप एच लगा दो, अब ये स्टेबलाइज है या फिर नहीं है, नहीं है स्टेबलाइज, क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हो तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप तो लगा नहीं हुआ, जिसे हम डीलोकलाइज करवा दें इसको, तो ये स्टेबलाइज नहीं है। तो अगर स्टेबलाइज नहीं है तो जेड एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट, यानी कि ये वाला एच और ये वाला एच सेम साइड पे दिखेंगे हमें। फिर से मुझे वही काम करना पड़ेगा, इसको मैं पूरे को आर मान लेती हूँ, इसको हमने आर मान लिया, तो ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे करके, इधर आर है और यहाँ पे एच है, ठीक है। और फिर मुझे ये दिख रहा है, घुमा देती हूँ इसको, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ आर, एक तरफ एच, इसको हटा देंगे यहाँ से, डबल बॉन्ड बढ़ाएंगे, ये बस बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ऐसे ही करना होता है। अगर मुझे इसमें शो करना है, मैं कैसे शो करूँगी, यहाँ पर कार्बन के साथ बनाऊँगी डबल बॉन्ड ऐसे करके, एक एच यहाँ पर रहेगा, एक एच यहाँ पर रहेगा, और यहाँ लगेगा सी एच टू सी एच टू ओ टी बी एस, ऐसे ये हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी वही बात है, सबसे पहले बेस ऐड कर रखा है, तो बेस से हम इन दोनों में से कोई एक प्रोटॉन निकाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, बन गया फॉस्फोरस एलाइड, आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा लो, प्लस हटा के इस तरह से दिखा दो, उसके बाद हम बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ क्योंकि दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं तो सिस ट्रांस का कोई मतलब बनता नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे बनाओ इसको, ये वाला डबल बॉन्ड इसके जस्ट ऊपर बनेगा यहाँ पे, और ये कनेक्टेड है ओ एम ई से, इस तरफ लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ दिखाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों ग्रुप सेम है, तो फिर जेड और ई का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, इस तरह से बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है एच थ्री ओ प्लस, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाई गई है। अगर आपके पास ये वाला ईथर होता ना, ये वाला, तो इसका अगर हम इसमें डालते ना एच थ्री ओ प्लस, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड ईथर होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो यहाँ पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से करके
यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा और ये सिंगल बोन तो हो ही गया था, इधर नेगेटिव आएगा वो H निकाल लेगा यहाँ से, कार्बन के पास डबल बोन O आया है, यहाँ पर H और यहाँ पे प्लस, यहाँ पर है मिथाइल, नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगा, ये आएगा मेजर प्रोडक्ट, देख रहे हो कीटोन से हमने एक एल्डिहाइड बना दिया, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब ना नेक्स्ट हमें करनी है एक रिएक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जैसे मान लो कोरीफुसिस रिएक्शन, इसमें अगर मैं आपको ये एल्डिहाइड देती हूँ, सही है, और यहाँ पर अगर हम ऐड कर दें CBr4 और साथ में PPH3, तो हमें पता क्या मिलता है, एल्कीन मिलेगी, ऐसे वाली एल्कीन। इसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, पहले ये कर सकते हैं हम, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम ऐड करवा दूँ और इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट में ये मिलेगा। अब हमें सीखना है इसका मैकेनिज्म कि ये बना कैसे है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास CBr4 है जिसको मैं इस तरह से दिखा सकती हूँ, ऐसे, ठीक है, टेट्राहेड्रल कार्बन है, इस तरह से हमने दिखा दिया इसको। अभी PPH3 है, इसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, तो अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक करवाऊँ और Br+ को निकाल लूँ यहाँ से, तो ये वाला ना फेवरेबल है। रीज़न क्या है उसका, ये बनेगा CBr3-, क्योंकि 3 Br ग्रुप लगे हुए हैं, आपने इसको निकाला यहाँ से, यही बनाया ना, तो 3 Br ग्रुप क्या करेंगे, -I इफेक्ट लगाएंगे और तीनों -I इफेक्ट लगा के इसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये Br+ को इसने ले लिया PPH3 ने, तो साथ में हमें ये भी मिला है, क्लियर है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी दिखा लो, ऐसे करके 3 Br लगा लो ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद नेगेटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज करवाना ही है, तो यहाँ से ये Br- बाहर गया और Br- के बाहर जाते ये बन गया कार्बिन, यहाँ पे कार्बिन की फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, कार्बिन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, कार्बिन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि कार्बिन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अभी हमारे पास और भी PPH3 अवेलेबल होगा रिएक्शन मिक्सचर में, वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये सिंगलेट कार्बिन है ना, तो जो भी पी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा उसमें अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा ये, तो ये बन जाएगा अपने पास Br, और यहाँ से बॉन्ड बना PPH3 के साथ, इसने इलेक्ट्रॉन दे, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसने एक्सेप्ट करे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और क्योंकि पहले कोई चार्ज नहीं था इसलिए नेगेटिव दिख रहा है, अगर यहाँ पे प्लस होता फिर तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता प्लस माइनस। अभी ऐसे बनेगा, क्या मिला हमें, ये मिल गया फॉस्फोरस एलाइड, है ना, तो बस ये वाला यहाँ तक पहुँचना इंपॉर्टेंट था। तो अभी क्योंकि फॉस्फोरस एलाइड मिल गया है, तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, डबल बॉन्ड दिखा के इस तरह से करके, तो बस फिर ये है और साथ में ये है, यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे करके, ये R है, यहाँ पे H है, यहाँ ऐसे दिखा देंगे इसको, PPH3 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 Br लगे हुए हैं, इसको निकाल देंगे बाहर, बीच में बना देंगे डबल बॉन्ड, भाई तो बने, चाहे आप इसको ऐसे दिखाओ R को, इस तरह चाहे इस तरह दिखाओ, क्योंकि दोनों Br तो सेम ही है ना, तो सिस ट्रांस का यहाँ पे भी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ तक हम पहुँच गए, इतना क्लियर हुआ है, अगर इतना क्लियर हुआ है आगे तो कर ही लेंगे। अभी देखो ब्यूटाइल लिथियम क्या है, बेस है, H+ को निकालेगा यहाँ से, इधर आएगा माइनस, नेक्स्ट स्टेप में इसको निकालेंगे बाहर। अब इस तरह से दिखाओ इसको, एक चीज़ देखना, ये Bu- है, Li+ है, ठीक है, यहाँ से हम इसको निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ से Br- जाएगा बाहर, तो ऐसा करने से क्या मिल रहा है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे बचा है Br, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद एक चीज़ और देखो, जो ये ब्यूटाइल लिथियम है, इसमें ब्यूटाइल इस तरह से है और Li+ यहाँ पर ऐसे है, तो जो ये नेगेटिव चार्ज है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर है ना, और अगर आपसे मैं ये पूछती हूँ कि एक तो sp3 हाइब्रिडाइज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ये वाला कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये वाली कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है इस वाली कार्बन के कंपैरिजन में, है ना, तो यही होता है इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स, और यहाँ पर होता है मेटल हैलोजन एक्सचेंज, ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने एल्काइल लिथियम पढ़ा था, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको हम इस तरह से करवाएंगे, और जो ये Br+ था ये अपने पास यहाँ से निकल जाएगा, साथ बॉन्ड बना के चला जाएगा ऐसे, इधर माइनस आया Li+ यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे दिखा लो चाहे तो,
या फिर आप ऐसे दिखा दो इधर माइनस और इधर प्लस, ऐसे, ठीक है, और ये आपका रिलीज हो गया, इतना बना है. अब आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रखा है तो भी डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करेगा और हमें ये मिल जाएगा. ठीक है, तो ये थे आपके पास कंप्लीट कोरीफुसिस रिएक्शन. क्लियर है, इस तरह से करते हैं. इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा नेट गेट में पूछ सकते हैं, ऐसा किसी स्टेप में यूज़ करवा लेंगे. जैसे मुझे याद है एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इस रिएक्शन से, उसमें ना फर्स्ट स्टेप में तो आपसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन करवाई थी कोई, और उसके बाद फिर ये वाला स्टेप करवा के यहाँ तक पहुँचाया था. तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. आगे आते हैं, बेस ऐड कर रखा है, क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन निकालेगा. यहाँ पर हमें दिख रहा है ये, आप ध्यान से देखो, मैं फॉस्फोरस इलाइड बनाने का ध्यान देना बस. एच प्लस निकला, इधर आया माइनस. इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इधर कार्बन है, इधर है डबल बॉन्ड, इधर है PPH3, ये इसका काउंटर आयन, इस तरह से. यहाँ पर है N, इसके पास H है, यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर है R, यही है. तो इस बार क्या होने वाला है, इंट्रा मोलिकुलर विटिग रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही ग्रुप क्या है, ये अपना रिएजेंट वाला पार्ट भी और अपना सबस्ट्रेट भी एक ही मोलिक्यूल में है इस बार, तो हम इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन करवाएंगे. क्या होने वाला है, क्या करते हैं हम, जो ये वाले कार्बन है और ये वाले कार्बन के बीच में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड आते हैं, इनके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, और ये निकाल देते हैं बाहर. तो देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि हमें एक 5 मेंबर रिंग मिल रही है. इधर N है, इसके पास H है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो आएगा ही बीच में क्योंकि एल्किन तो बनती है, यहाँ पे रह जाएगा R. तो ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट. ये क्या है, टोलवीन है, टोलवीन को ही ऐसे लिखा गया है, सॉल्वेंट है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये. आगे चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है. यहाँ पर भी देखो पहले से बना के दे रखा है, कुछ करवाने की नीड है नहीं, डायरेक्टली इसको इस तरह से दिखाओ, यहाँ से सिंगल बॉन्ड करके एच कर दो. क्या करोगे अभी, इसको निकाल दो बाहर, और इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का बना दो डबल बॉन्ड, बस हो गई इंट्रा मोलिकुलर विटिग रिएक्शन. तो जब तक डायरेक्टली रिएक्शन करवाए ना, विटिग रिएक्शन बहुत सिंपल होती है. अगर मैकेनिज्म पूछ लें, जो कि डिफ़िकल्ट है ऐसे MCQ टाइप पेपर में पूछना, बट स्टिल कोई इंटरमीडिएट वगैरह पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको. ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, कार्बन नंबर 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट. सो कैरेक्टर्स वाली बुक में इसके अलावा आगे भी थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट भी गिवन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बट आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हेल्पफुल रही होगी. हैप्पी लर्निंग.